आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर नंबर 1 के बारे में, और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 6 को। इसके साथ में हम अपने जो नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करेंगे उसमें हम अभी जो अपलोड करने वाले हैं क्वेश्चन, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में भी डेफिनेटली बात करने वाले हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्टनरशिप फंडामेंटल का स्टार्ट करें। इसके पहले मैंने बोर्ड पे कुछ अपने प्रीवियस वीडियोस के बारे में लिख रखा है, हम इसके बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रीवियस वीडियोस से अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखते हैं तो आप एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये हम पहले देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का सेपरेट क्वेश्चन अपलोड किया था अपने चैनल में, और क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपसे एनसीईआरटी बुक का बन जाता है जिसका सेपरेट वीडियो आपको मैंने अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए हैं उनके लिंक मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। आप डेफिनेटली वहां से बिना अपना टाइम वेस्ट किए लिंक वहां से लेकर प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ अगर आप करते हैं एनसीईआरटी बुक का, क्वेश्चन नंबर 2, 5th और क्वेश्चन नंबर 11 आपसे इजी वे में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से देखिए प्रीवियस वीडियो में हमारे पास। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लग रहा था उसका हमने सेपरेट वीडियो अपलोड किया है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप हमारे चैनल में जाकर देखिए। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के सेपरेट क्वेश्चन भी हमने कराए हैं और उसमें क्या रूल्स अप्लीकेबल होते हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो क्वेश्चन हमने कराए। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अगर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कितने सारे केसेस हैं वो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस वहां पे सॉल्व किए अपने वीडियो में, और उसमें सेपरेट क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 और 25 नंबर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का है। प्रीवियस वीडियो देख के आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, इसके पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 सेपरेट क्वेश्चन अपलोड किए हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कंसेप्ट को वहां से समझ लेते हैं, ये सारे ही कंसेप्ट वहां से समझ लेते हैं तो ये सारे ही क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वहां पे बन जाएगा। तो सारे ही क्वेश्चन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं, वहां से देख लीजिए और आपसे बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के बन जाएंगे। मुझे पता है कि एनसीईआरटी बुक ड्यू टू लॉकडाउन अभी आप अपने घर में हैं और लॉकडाउन के वजह से आप बुक स्टोर पे जाके एनसीईआरटी बुक या रेफरेंस बुक नहीं परचेस कर पा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बार बार कि आप ऐप से एनसीईआरटी बुक देख सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप ऐप से सिर्फ एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन ही देखें, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मेरा ये मैंने नोटिस किया है कि एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दिए हुए हैं वहां पर उनके फिगर्स में कुछ ना कुछ वहां पर मिसप्रिंट है या गलत फिगर छपे हुए हैं, तो क्वेश्चन आप वहां से देखें और आंसर यहां पे हम सही तरीके से करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास एनसीईआरटी का, ये एक क्वेश्चन है, इसमें एक एडजस्टमेंट की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। जो एडजस्टमेंट हम लोगों ने डिस्कशन तो किया है लेकिन उसको हम लोगों ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, तो हम फिलहाल सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 6। हर बार की तरह मैंने क्वेश्चन की कुछ यहाँ पे समरी लिख रखी है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन लिख रखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आपके साथ, पढ़ता हूँ आपको भी, मैं स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, आप भी देखिए, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, लोकेश एंड आजाद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 विद द कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड ₹30,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड टू बी पेड एट द रेट 6%। हमारे पास पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसमें हमें 6% का इंटरेस्ट देना है। आजाद इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2,500 पर एनम, इसका मतलब है कि इसमें हमें 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग 2013 में उसको मिल रहा है द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग आजाद सैलरी अमाउंटेड ₹12,000। ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अभी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन, ये शायद दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्रिपेयर अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास बुक में है उसकी ग्लिम्सेस मैंने बोर्ड पे लिखी है, आइए एक बार फिर से देखते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास लोकेश और आजाद पार्टनर है, उनका पीएसआर 3:2 है, उनकी कैपिटल 50,000 और 30,000 रुपीज दी है। मैं कैपिटल के बारे में आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं, अगर हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल दी है इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दी है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में
हम पार्टनर्स की करंट अकाउंट और पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, हमें सिर्फ पार्टनर्स की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है उसी के बेसिस पे हम पार्टनर्स का इंटरेस्ट भी वहां पर प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दी है, वजह यह है कि हमारे पास करंट या फिक्स कैपिटल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 6% पर एनम का हमें वहां पर इंटरेस्ट देना है। सैलरी की अगर हम बात करें तो लोकेश के पास कोई सैलरी नहीं है, जबकि आजाद को 2500 रुपीज पर एनम ईयरली सैलरी वहां पर हम आज आपको प्रोवाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पढ़ने वाला हूं, प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे पास जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये नॉर्मली ऐसा ही होता है। हमारे पास जो प्रॉफिट होता है उसमें से प्रायर टू ऑल एडजस्टमेंट जो होते हैं, जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट वहां पर नहीं हुआ होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है प्रायर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग आजाद सैलरी, आजाद की सैलरी हमारे पास जो प्रॉफिट है 12,500 उसमें से डिडक्ट हो गया है। ऐसे केस में जब प्रॉफिट डिडक्ट हो गया है तो हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो आज हम देखने वाले हैं। एक सेकंड पॉइंट और है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है, पहला ये कि मैनेजर कमीशन है, पार्टनर्स का कमीशन नहीं है, और सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि ये कमीशन जो है 5% ऑफ प्रॉफिट है। हमारे पास जो प्रॉफिट दिया है 12,500, ये प्रॉफिट ऑलरेडी आजाद की सैलरी माइनस करने के बाद है, तो पहले हम फर्म का एक्यूरेट प्रॉफिट निकालेंगे और उस प्रॉफिट में मैनेजर को कमीशन देंगे। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में मैनेजर कमीशन के बारे में आफ्टर चार्जिंग कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन कराया है। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी प्रॉफिट हमारे पास प्रॉफिट अलाउंस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा हम उसका डायरेक्टली यहाँ पर 5% कमीशन देंगे। तो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर ये है, मैंने आपको बताया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट हमें कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे नहीं करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ पार्टनर्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए होता है, एप्रोप्रिएशन होता है पार्टनर्स का। इट मीन्स कि मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई साइड में जो भी प्रॉफिट दिया है उसमें से मैनेजर्स कमीशन को डिडक्ट कर देना है, तो उसका सेम मीनिंग हो जाता है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट जो ट्रांसफर किया उसमें हमने कमीशन को माइनस कर दिया। प्रीवियस वीडियोज में हमने इसके बारे में काफी डिस्कशन किया है, फिलहाल इस क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि हमारे पास में जो पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम लोग पहले पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास पार्टनर्स का जो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले हैं उसमें हमारे पास प्रॉफिट जो बेस होता है वो दिया है 12,500। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसे हम अपने इनर कॉलम में लिखेंगे 12,500, क्योंकि मैंने आपसे कहा हमारे पास आजाद की सैलरी माइनस करने के बाद प्रॉफिट दिया है, आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चों। आपको 12,500 रुपीज आफ्टर चार्जिंग सैलरी है तो आपको वापस सैलरी ऐड कर देना है, ये मानते हुए कि अभी हमने सैलरी प्रोवाइड नहीं की है और हम फर्दर सैलरी प्रोवाइड करेंगे। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर सैलरी ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वो वाला प्रॉफिट आ जाएगा जो आजाद की सैलरी देने के पहले का प्रॉफिट था, और उस प्रॉफिट में जब हम सैलरी प्लस कर देंगे तो हम यहाँ पर एक बार फिर से आजाद की सैलरी को पेमेंट कर देंगे तो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आसानी से हो जाएगा। तो पहला काम हमें ये करना है कि यहाँ पर हमें प्लस कर देना है आजाद सैलरी, और आजाद की सैलरी अगर आप देखेंगे तो 2500 रुपीज पर एनम है, इसे हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 15,000 रुपीज। तो ये पहला ट्रीटमेंट हो गया है जिसकी वजह से हमने इस क्वेश्चन को लिया था। मैंने आपसे कहा आजाद की सैलरी प्लस कर देंगे और यहां पर हम वापस से डिडक्शन कर देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें मैनेजर्स कमीशन का अमाउंट निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैनेजर्स कमीशन टोटल प्रॉफिट के बेसिस पे निकलेगा जो कि 15,000 है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सैलरी को एड बैक नहीं करते तो हमारा प्रॉफिट 12,500 रुपीज दिख रहा होता, जिसकी वजह से मैनेजर्स कमीशन निकालने में प्रॉब्लम हो सकती थी। आइए अब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, इसके पहले हम मैनेजर्स कमीशन के बारे में ही देख लेते हैं। मैनेजर्स कमीशन के बारे में क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि प्रॉफिट का 5% देना है, एडजस्टेड प्रॉफिट का 5% नहीं देना है, नेट प्रॉफिट का 5% नहीं देना है। तो प्रॉफिट मींस कि जो प्रॉफिट हमारे पास एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ, इसी का हमें डायरेक्टली यहां पर प्रॉफिट दे देना है 5%, तो हम आसानी से प्रॉफिट दे सकते हैं।
और मैनेजर्स कमीशन का प्रॉफिट, मैनेजर्स कमीशन जो हम देते हैं उसे हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस प्रेशर अकाउंट में शो नहीं करते हैं। इसे सिंपली हम प्रॉफिट में से माइनस करके और आउटर कॉलम में नेट अमाउंट लिखते हैं। तो आइए करते हैं मैनेजर्स कमीशन का अमाउंट क्या होगा, हम यही पे माइनस कर सकते हैं मैनेजर्स कमीशन और मैनेजर्स कमीशन 15,000 का डायरेक्टली हमारे पास बोला है कि हमें निकाल देना है 5%, तो हम निकाल देते हैं 15,000 × 5/100 जो कि हमारे पास हो जाएगा 750 rupees। तो अगर हम 15,000 में से 750 माइनस कर देते हैं तो 14,250 हमारे पास अब बेस क्रिएट हो गया है, एक बेस हमने बना लिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सैलरी आजादी हमने प्लस कर दी क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सैलरी था, और मैनेजर्स कमीशन के लिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि प्रॉफिट का डायरेक्टली 5% लेना है, तो हमने प्रॉफिट का 5% माइनस कर दिया। पार्टनर्स के एडजस्टमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैनेजर्स का ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसलिए हमने माइनस कर दिया और अमाउंट लिख दिया है। इसके अलावा अब हम बेसिक क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत ईजी है। हमारे पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% बोला है, हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे पास में लोकेश, मैं शॉर्टकट लिख देता हूं, लोकेश और आजाद दो पार्टनर हैं, हमें दोनों ही पार्टनर का 50,000 का 6% और 30,000 का 6% देना है, तो हमारे पास में आ जाएगा 3,800 rupees और टोटल हो जाएगा 4,800 rupees। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सैलरी मैंने आपसे कहा आजाद की सैलरी हमने पहले लोड कर दी थी, वापस से उसकी अनलोडिंग कर देनी है, तो लिख देंगे 2 salary - आजाद और सैलरी हमारे पास दी है 2,500 rupees। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट और कैपिटल था वो हमने दे दिया है, हमने पार्टनर्स की सैलरी प्रोवाइड कर दी है, हमारे पास मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट था वो हमने कर दिया है। अब हमें डायरेक्टली टोटल करने के बाद में डिफरेंस अमाउंट जो प्रॉफिट है पार्टनर्स के PSR 3:2 में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है 14,250 और इस 14,250 को दोनों साइड में लिखने के बाद में हम डेबिट के टोटल में को उसमें से माइनस करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के 3:2 के पैसा में बांट देंगे। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ लोकेश एंड आजाद। तो अगर आप 14,250 में से अगर आप 48,250 को माइनस करेंगे तो 6,950 rupees हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा, और इस प्रॉफिट को अगर आप 3:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं तो 4,1470 हमारे पास लोकेश का प्रॉफिट आ जाएगा, जबकि 2,780 हमारे पास प्रॉफिट आ गया है आजाद का। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है, मुझे पता है कि आप सबसे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बनता है, और इस बार हम जो कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। मैंने आपसे कहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिख के बना सकते हैं। तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बन गया है। इसके बाद हम बना सकते हैं पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, हमारे पास बैलेंसेस थी 50,000 और 30,000 rupees, तो हम यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ये पर्टिकुलर है आप सबको पता है, और हमारे पास 50,000 और 30,000 rupees पार्टनर्स के रिस्पेक्टिवली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने आपसे बताया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 2 से हम सारी एंट्री बाई साइड में और बाई साइड की एप्रोप्रिएशन की सारी एंट्री 2 साइड में करते हैं। आइए कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और नेट प्रॉफिट की आइटम है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,800 rupees इसके अलावा सैलरी आजाद की जो है वो 2,500 rupees है बाय सैलरी, और वो सिर्फ आजाद को हम प्रोवाइड कर रहे हैं 2,500 rupees। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट है एप्रोप्रिएशन का मैंने कहा इसको हम हेडिंग के नाम से लिखते हैं, तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट हमारे पास में है 4,170 एंड 2,780। अब हमें प्लस कर देना है सबको,
और जो भी अमाउंट हमारे पास में आएगा उसे हमें टू साइड में लिख देना है टोटल में, और निकाल देना है टू बैलेंस सीडी, और इमीडिएट इस बैलेंस सीडी को हमें ट्रांसफर कर देना है बाय बैलेंस बीडी में। तो देखते हैं टोटल कितना हो रहा है। अगर हम टोटल करेंगे तो 57,170 टोटल आ रहा है हमारे पास लोकेश का। इसी को हमें टू साइड में लिख देना है और यही हमारा 57,170 हमारा बैलेंस सीडी हो गया, 57,170 हमारा बैलेंस बीडी हो गया। अगर हम आजाद की बात करते हैं तो 37,080 यही हमारा बैलेंस सीडी है और यही हमारा बैलेंस बीडी है। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। देखा आपने कितनी आसानी से कितने इजी वे में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बस आपको ध्यान रखना है कि आज आपकी सैलरी जो है वो हमें प्लस कर देना है क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सैलरी है। इसके अलावा जो हमारे पास कमीशन है वो नेट प्रॉफिट के बेसिस पे कमीशन है, तो हमने यहीं पे 15,000 का ही डायरेक्ट 5% निकाल के माइनस कर दिया है क्योंकि हमें मैनेजर्स कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करना होता है। इसका आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी बुक के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।